हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल अकेडमी। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है कि जो जो सीरीज़ है अपनी, ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा फ्री होके तो 10 क्वेश्चन का एक लेक्चर हम लोग अपलोड कर देंगे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है, जैसे कि पहले समझते थे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज़ कोई रेगुलर सीरीज़ नहीं होने वाली, जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा, हफ्ते में 2 से 3 लेक्चर। ओके, कोई भी एग्ज़ाम होगा सिविल का तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई एक्स वाई जेड नहीं है कि UPSC AE के लिए या UPSS JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, सिलेबस सिर्फ लेवल का डिफरेंस रहता है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। स्पायर टेस्ट यूज इन द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। जो स्पायर टेस्ट होता है अपना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी सीरीज में क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, किसके, वर्टिकल एक्सेस के। तो यहाँ बच्चा कन्फ्यूज किस में रहता है कि वर्टिकल एक्सेस के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए होता है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस के चेक करने के लिए कि ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सेस के। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस का दूसरा नाम क्या है पूछा जाता है, ट्रूनियन एक्सेस, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो स्पायर टेस्ट करते हैं हम लोग किसके लिए, एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल। देखो इसमें वर्टिकल भी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हॉरिजॉन्टल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलो, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट यही आएगा। अच्छा अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, द मोर्टार हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 35 किलोन्यूटन पर मीटर क्यू और मोर आर नोन एज हैवी मोर्टार। मे बी द मोर्टार हैविंग बल्क डेंसिटी लेस देन 5 किलोमीटर पर मीटर क्यू आर नोन एज लाइट मोर्टार। ऐसा नहीं है, देखो जो मोर्टार का क्लासिफिकेशन है याद रखना, अगर बल्क डेंसिटी ग्रेटर देन 15 है और दूसरा बल्क डेंसिटी लेस देन 15 है, तो इस केस में इसको हैवी मोटर कहेंगे और इस केस में इसको लाइट मोटर कहेंगे, इसके अलावा इसमें कोई नहीं है, बस ये याद रखना है। तो नाइदर वन नाइदर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर है ना, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सब ग्रिड इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज 8, यानी कि यहाँ पे GI की जो वैल्यू है, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा क्या, अच्छा कलर चेंज हो जाता है यहाँ से, है ना, ये ऐसे करके इसको थोड़ा पतला करके, ओके है ना, ग्रुप इससे ज़्यादा पतला हो गया, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। ओके अब ठीक है। अच्छा जो ग्रुप इंडेक्स की का फॉर्मूला होता है, पहले वो याद रखना, 0.2A+0.005AC +0.01BD, ठीक है। अच्छा ग्रुप इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यूज भी याद रखनी है। अच्छा ए बराबर होता है क्या x-35, बी बराबर होता है x-15, सी बराबर होता है WL-40 और डी बराबर होता है IP-10, याद रखना इम्पॉर्टेंट है सारा। इन दोनों की जो रेंज है वो 0 से 40 होती है। अच्छा यहाँ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, परसेंटेज लेस देन 75 माइक्रोन, यानी फाइन जो सॉइल है वो कितना परसेंटेज है उसकी परसेंटेज है। ओके, और इन दोनों की जो रेंज है वो 0 से 20 तक है, और रेंज का मतलब है ये है कि नेगेटिव में आएगी तो 0 लेके चलेंगे, अगर मान ली 20 से ज़्यादा 22 आ रही है तो 20 लेके चलेंगे, इसका मतलब ये। अच्छा अब इसका याद रखना है ग्रुप इंडेक्स और टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, ये अगर 0 से 1 तक है और फिर आता है 2 से 4 तक, फिर आता है 5 से 9 तक, फिर आता है 10 से 20 तक, इसमें आता है ये गुड, यहाँ आता है फेयर, यहाँ आता है पुअर, यहाँ आता है वेरी पुअर, तो यहाँ 8 बोल रहा है, तो आंसर होगा इस रेंज में 5 से 9 की, यानी ऑप्शन नंबर पुअर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो JEE लेवल पे तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, AE लेवल में ये भी आ गया,
ठीक है, यहाँ ये भी आ गया, ये भी आ सकता है, और या फिर यहाँ डाटा देख के ये पूछ ले कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मतलब टाइप ऑफ सॉइल बताओ कौन सी कैटेगरी की होगी। तो क्या है, जो कंटेंट है हमेशा वो सेम ही रहता है, बस उसका लेवल का डिफरेंस हो जाता है। जेई में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये बनाया, साथ साथ करेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इनकी वैल्यूज़ दे के आपसे क्या पता निकलवा लेगा ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। और ज़्यादातर रखना, जब भी कैलकुलेशन होती है जेई लेवल पर, मैंने देखा है कि कोई ना कोई पैरामीटर जीरो हो जाता है। जब एक पैरामीटर जीरो हो जाता है, मान लो ये जीरो हो गया, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है ये और ये। इस वजह से ये जेई लेवल में भी आ सकता है ना, याद रखना इसको। अगला देखते हैं, इफ द शेप फैक्टर ऑफ द सेक्शन इज 1.5, यानी शेप फैक्टर कितना दे रखा है 1.5, ओके, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अपडेट 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2, देन लोड फैक्टर। देखो लोड फैक्टर हम लोग जानते हैं, सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, यानी कि आपका सेफ फैक्टर कितना 1.5, लोड फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। इन सीवर डिजाइनिंग विद सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, ठीक है, अच्छा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का मतलब है कि क्लीन करना है सेल्फ में। और क्यों करते हैं, कभी भी देखो अगर आपने सीवर देखो तो ऐसे ही स्लोप दी जाती है ग्रेविटी के बेसिस पे, यानी कि जो भी आपका सिल्ट है वो जमा ना हो, ठीक है। तो टू द बॉटम इज सिल्टेड, ये नहीं है, द बॉटम इज स्कॉर्ड, ये भी नहीं है, बोथ सिल्टिंग स्कोरिंग अकर, देखो सिल्टिंग स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग अकर एट द बॉटम, या बॉटम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी इधर राइट आंसर, ओके। अगला देखते हैं, राफ्ट फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन क्ले, ठीक है, सॉइल कौन सी होगी, क्ले। अच्छा एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि जो आपका कहते हैं पर्टिकुलर जो वॉइड होता है, मान लो ये सॉइल है, तो ये जो गैप है पर्टिकुलर, तो वो जो वॉइड है, वॉइड वॉल्यूम बिटवीन सम पार्टिकल, ठीक है, वो क्या है, सैंड में, कहाँ चला गया ये रहा, सैंड में ज़्यादा होगा क्ले से, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो हैं वो कम होंगे सैंड में क्ले के कंपैरिजन में, ठीक है, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हैं क्ले में, इस चक्कर में सेटलमेंट भी क्ले में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला पूछ रहा है, द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट, यानी एक डिफरेंशियल होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड। देखो अब एक चीज़ आपको याद रखो, यहाँ पे मैं इसका इरेजर लेके आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इस तरह से समझना इसको, क्योंकि सेटलमेंट के क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है, इसमें हार्ड एंड फास्ट वाली कहानी नहीं है कि आपको याद ही होगा, एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि लॉजिक भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कि जो सेटलमेंट है उसकी तीन वैल्यू याद रख लो, एक तो 40, एक 65 और एक 100, ठीक है, और एक कितना अपना 100, ओके। अब यहाँ याद रखना, अगर मैं डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात कर दूँ, डिफरेंशियल की, ठीक है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू क्या रखनी, 40, इसके नीचे रख लो 25, ठीक है, ऐसे याद रखनी, अब इसका यूज़ भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्ले के केस में, किसके केस में, क्ले के केस में, क्ले के केस में तो क्या आता है 40, क्या आता अपना 40, ठीक है, वहीं अगर सैंड के केस में बात कर दूंगा, ये क्ले हो गई, और इस सैंड के से मैं बात करूंगा तो ये सैंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट की बात करूं कि यूनिफॉर्म सेटलमेंट कितना है, तो ये किस, एक ये गोला, एक ये गोला, याद रखना। अब मैंने क्या बोला कि क्ले में सेटलमेंट ज़्यादा होता है, किस में सेटलमेंट ज़्यादा होता है भाई, क्ले में सेटलमेंट ज़्यादा होता, तो ये हो गया क्ले के लिए, ये हो गया सैंड के लिए, ठीक है। सेम है अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करूँ, तो 40 और 25 में से याद रखना है, जो 25 है वो कम है तो वो सैंड के लिए है, और 40 ज़्यादा है तो वो क्ले के लिए है, ठीक
ठीक है। अब यह क्ले की बात कर रहा है, तो क्ले के केस में ये होगा 65 से 100 या फिर 40। यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना बताया क्ले के केस में मैंने, 40। तो 40 कहाँ गया, 40 ये इधर लिखना पड़ेगा, 40 हो गया ठीक है। और लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट यानी यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 65 से 100, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 100। तो 40 यहाँ और 100 यहाँ, यानी आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर ठीक है। तो इसको याद करना है, एक तो वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी और एक लॉजिक याद रखना पड़ेगा ठीक है, और बन जाएगा क्वेश्चन। ओके अगला देखते हैं, इन अ पेनिटेशन टेस्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी। अच्छा पेनिटेशन टेस्ट किसके वजह से करते हैं हम लोग, बेयरिंग कैपेसिटी के लिए। पेनिटेशन नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू कॉज डेथ पेनिटेशन, कितना पेनिट्रेट करना चाहिए सैंपलर इन टू द सॉइल अंडर टेस्ट बाय मीन्स ऑफ डेथ हैमर फॉलिंग थ्रू। यानी कि अगर हम पेनिटेशन टेस्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ जो पेनिटेशन टेस्ट होता है उसमें पेनिटेशन करते हैं, जो फ्री फॉल हाइट होती है ये 75 सेंटीमीटर की होती है, और जो वेट होता है वो 63.5 kg होता है, और इसको पेनिट्रेट करते हैं 3 लेयर में। जो फर्स्ट लेयर होती है वो 150 mm की होती है, सेकेंड लेयर भी 150 की होती है, और इसके जो नीचे वाली लेयर होती है वो भी 150 की होती है। तो याद रखना, जो फर्स्ट इसमें वो लेगा, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 8 ठीक है, 8 नंबर ऑफ पेनिट्रेशन निकल गया है। तो याद रखना, स्टार्टिंग के जो 150 mm है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते, इसमें ऐड नहीं करते। अगर मुझसे कोई बोल लेगा कि नंबर बताओ पेनिटेशन नंबर, तो मैं कितना बताऊंगा, 6 + 8 यानी 14, इसमें 14 आंसर होगा याद रखना। अच्छा कितनी डेप्थ के लिए करते हैं, तो 300 आंसर हो गया है ना, कितना हो गया 300 आंसर हो गया, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कितना हो गया 300। तो आंसर हो गया 365 और अपना 750, 75 सेंटीमीटर को नोट कर लिया, तो आंसर हो गया सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच द लोड शुड एक्ट इन अ मेंबर सच दैट। देखो याद रखना, शेयर सेंटर में ट्विस्टिंग क्या होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए, तो ट्विस्टिंग को एलिमिनेट करना है, बट नो ट्विस्टिंग। देखो यहाँ देखो, नो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग हो ही तो नहीं लेंगे, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग एक्ट, ट्विस्टिंग नहीं लेंगे, ओनली ट्विस्टिंग, तो ट्विस्टिंग लेना नहीं है, तो एलिमिनेट होकर यही बचाओ ऑप्शन, शेयर एंड बेंडिंग एक्ट्स बट नो ट्विस्टिंग, तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके अगला देखते हैं, यू शुड यू विश, अच्छा यू विश टू कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अ करेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉड लॉ, द रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड वेलोसिटी इज। देखो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद है मेरे को, आपको भी याद रखना है, वो होता है जी ओ वाई ठीक है, वाई क्या है आपका डेप्थ है। अच्छा मैं स्क्वायर कर दूँ, या वेलोसिटी का स्क्वायर दे रखा, तो वी स्क्वायर बाई जी इजक्वल टू वाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई जी, तो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं करने वाला, मैं कोई पूरा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, ऐसे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा है ना, आपको कुछ वैल्यूज याद करनी होगी, उसको कन्वर्ट करके आपको ये चीज़ें निकालनी होंगी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन फॉर फ्लो द फ्लूड ऑफ इन बर्नौली इक्वेशन आर एच। देखो ध्यान रखना, जब भी जो अजम्पशन पूछे जाते हैं हम लोगों को लगता है बहुत सिंपल है ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इनमें भी आप मिस्टेक कर दोगे है ना, तभी ये सिंपल क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप मेन एग्जाम इनको गलत करके आते हो। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखे जिससे आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहें। ओके तो क्या होना चाहिए, स्टडी तो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आइडियल होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म वाला कुछ नहीं है, इनकम्प्रेसिबल यूनिफॉर्म वाला कोई केस नहीं, नन ऑफ दिस तो ही नहीं रखता, क्योंकि आंसर है 1। ओके तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, 10 क्वेश्चन की ये सीरीज रही है। अब देखो यहाँ से हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है मैंने ओके टाइप में रखा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे, धीमे धीमे करके जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है जैसा आप लोग जानते हैं वो अच्छी रखी जाएगी है ना, स्टैंडर्ड कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन वो रखा जाएगा। ओके अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, और जो भी मैंने प्लान किया था पहले कोर्स वगैरह लॉन्च करने का, तो अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मैं अभी एट अ टाइम जॉब पे हूँ, तो मेरे को जब भी टाइम, जितना भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए
10 क्वेश्चन का कोई ना कोई लेक्चर बना के अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि ना मेरे को कुछ चाहिए, बस मेरा एम एक ही है जिससे कि जो मेरी टीचिंग हैबिट है उससे किसी न किसी को बेनिफिट मिले। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टिल देन टेक केयर।